down! Down. Enemy down. हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। और भाई इस वाले गेम प्ले के अंदर बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है, क्योंकि ये वाला जो गेम प्ले होता है वो एस के लोबी का है। इसमें काफी ज्यादा अच्छे क्लच भी तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, वो भी विदाउट एस 12 के। क्योंकि यार मैंने पिछले गेम प्ले के अंदर एस 12 का यूज करी थी, तो भाई बोला गया कि भाई एस 12 के मत यूज किया कर। और मैंने भी देखा उस वाले गेम प्ले के अंदर मैंने कुछ ज्यादा एस 12 चला ली थी, और इस वाले गेम प्ले में भी अच्छे खासे किल्स हो जाते हैं विदाउट एस 12 के। और इस वाले गेम प्ले के अंदर भी यूज होगी, बट उतनी ज्यादा नहीं होने वाली जितनी की उस गेम प्ले में हुई थी। तो भाई काफी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अब इस वाले गेम प्ले के अंदर हम लोग उतरे तो प्रमोटरी में थे, एंड यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आता ऐसा तुम्हें लग रहा है। यहाँ पर एक पोर्ट भेजा जाता है जिसको मेरे टीममेट पेल देता है, एंड एक और बंदा है जो कि भाई एस्ट्रल के लेके हम पे पुश करने वाला है, और हमारे पास एस्ट्रल के नहीं होती। तो भाई देखो, और हाँ इससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी खासी लूट भी कर लेते हैं। एंड देन अब वो एस्ट्रल वाला बंदा होता है, वो हम पे पुश कर रहा है, मतलब कि हम उस पर पुश कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे उसकी एस्ट्रल के दिख जाती है। Enemy down! और यहाँ पर इस बंदे को तो फिनिश कर लिया, और यहाँ से मैंने एस्ट्रो के उठा लिया, क्योंकि यार मुझे यहाँ पर सेफ्टी के लिए चाहिए थी। क्योंकि ये वाला जो गेम प्ले है वो एस की लोबी का है, एंड भाई इस वाले गेम प्ले के अंदर जितने भी बंदे आएंगे ना सामने से, दोनों के दोनों के पास एस्ट्रो के तो होगी होगी, क्योंकि यार एस की लोबी में ऐसा ही होता है। बाकी जो यूट्यूबर पता नहीं कौन सी लोबी में खेलते हैं उनके ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो, और फिर हम लोग आ जाते हैं ओल्ड बेसिन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा फायरिंग आ रही थी, जैसे बोट की फायरिंग आ रही थी। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर जो पहले वाला बोर्ड था उसको मैं मारते हुए तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये दिखाने वाला था कि यार मेरा फोन भी लेक होता है। 6 GB की रैम है, फिर भी यार मेरा फोन लेक होता है, ये जो कि आपने अभी देख लिया हुआ कि बोर्ड को मारते वक्त मेरा स्प्रे एक ही जगह पर रुक गया था। एंड देन अब सामने की तरफ भी दो बंदे हैं, तो भाई देखो अब ये वाला बंदा तो नॉक हो जाता है, लेकिन अब मैं नॉक होने वाला। और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ, और ये मेरा टीममेट होता है वो मुझे रिवाइव भी कर लेता है। एंड देन यहाँ पर मुझे एक किल ही मिलेगा, क्योंकि यार एक ही में मैंने नॉक किया था, तो यहाँ पर वो बंदा तो भी रिवाइव हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ही किल मिलने वाला है। तो देखो एनिमी डाउन। एंड यहाँ पर ये वाली जो टीम होती है वो भी मारी जाती है, और यहाँ पर मुझे एक ही किल मिला। एंड यहाँ पर जो मेरा टीममेट होता है वो यहाँ पर लूट रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई आगे चले जाते हैं, क्योंकि यार नए ड्रॉप पे तो बंदे होंगे ही होंगे, एंड वहाँ पर हम चुराने वाले किल चोरी करने वाले, क्योंकि यार वहाँ पर 2-3 बंदे नॉक पड़े होते हैं। तो भाई देखो आप तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी हो, तो जिस बंदे को मैंने पहले नॉक था उसको फिनिश किया था ना, उसी के अंदर मुझे एक और बंदा था वो नॉक पड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन यार मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, एंड इसकी वजह से यहाँ पर मुझे एक किल जो ज्यादा मिल सकता था वो नहीं मिला। देन अब एक और बंदा आने वाला है। एंड यहाँ पर इसको भी फिनिश किया, एंड अभी फिर से दो बंदे और आने वाले हैं बग्गी लेके। यहाँ पर भी मैंने एक बंदे को नॉक किया था, एंड यहाँ पर मैं फिर से नॉक हो जाता हूँ। एंड हाँ यहाँ पर भी मेरा फोन लेक किया था, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। एंड यहाँ पर कुछ बोट बैज भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी भी पेटी बना देते हैं, क्योंकि यार इससे हमारे जो किल हैं वो और भी ज्यादा दिखेंगे, तो यार इनको भी फेल देते हैं।
अब यहाँ पर सब बंदों की केट को लूट कर हम लोग यहाँ पर बंदों को ढूंढ नहीं रहे थे। एंड तब यहाँ पर मुझे फायरिंग साउंड सुनाई देती है जो कि भाई थर्डल से आ रही थी एंड वहाँ पर बंदे थे, तो वहाँ पर हम लोग घुस जाते हैं। यहाँ पर एक को तो मैंने यहाँ पे फिनिश किया जो कि नॉक पड़ा था। एंड जो दूसरा बंदा है और इसको यहाँ पर मैंने एस्ट्रोल का चिपका दी क्योंकि यहाँ पर मुझे साउंड आई थी एस्ट्रोल के रिलोड करने की, तो यहाँ पर मुझे लगा कि यार बंदे को एस्ट्रोल क्यों होगा, लेकिन बंदे के पास नहीं होता और शायद वो जो गन रिलोड की थी वो मेरी टीममेट नहीं करी थी। और फिर से हम लोग यहाँ पर बग्गी में बैठ के यहाँ पर निकल जाते और बंदों की तलाश में। और जैसे हम लोग यहाँ पर नेट ड्रॉप पर आते हैं तभी यहाँ पर मुझे सामने बग्गी दिखती है और भाई यहाँ पर बंदे होते हैं और भाई उस बंदे के पास भी आज लुक होने वाली है। तो देखो अभी वाला जो बंदा था वो मेरे टीममेट को आज लुक चिपका देता है और उसकी गन रिलोड पे चले जाने वाली है। यहाँ पर मैंने इसको M4 से कर दिया। हालांकि इस बंदे का जो किल फेड पे नाम आ रहा था बार बार कि ये बंदा एस्ट्रो के से काफी ज्यादा बंदों को मार रहा था और साथ ही इस बंदे को मैंने नॉक किया था फिनिश नहीं किया, ठीक है मैंने इस बंदे को नॉक किया था फिनिश नहीं किया। एंड इसका जो टीममेट होता है उसको नीचे वाला जो बंदा था वो पेल देता है। देन यहाँ पर जो बोट भेजी का किल चोरी हुआ ना मेरे सामने, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, वो बोट बचने के लिए भाई लेट गया था एंड भाई वो जो दूसरा बंदा है तो वो उसको पेल देता है। और अब यहाँ पर बचा था एक ही बंदा, बचा था लास्ट बंदा बचा था। एंड अब तुम यहाँ पर बता सकते हो कि यार बंदा कहाँ हो सकता है, यहाँ तक कि मेरे को लग रहा था कि बंदा इस रेड बिल्डिंग के ऊपर की तरफ है या फिर अंदर की तरफ है। या फिर मैं नेट करता हूँ जो कि अंदर नहीं जाता, मॉली करता हूँ जो कि अंदर जाती है, लेकिन बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर मैं समझ जाता हूँ कि बंदा अंदर तो नहीं है, बंदा है वॉल के पीछे की तरफ। अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है कि यार मैं इस बंदे को M4 चिपका देता हूँ और यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा डैमेज पड़ गया था और मुझे लगा कि वो बंदा होता है वो एस्ट्रो का शिफ्ट करके आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बंदा होता है वो डीपी लेके आता है और डीपी वाले को तो M4 से मैं पेल सकता था, लेकिन मैंने हाथ में एस्ट्रो के ले ली थी तो मैंने इसको चिपका दी और इसे तो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। और तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, लाइक कर लेना अपने दोस्तों का, शेयर कर लेना, चैनल पर नए मतलब कहीं से आगे घूमते फिरते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है सेल पर कर लेना और हम सब फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो या फिर गेम प्ले में। एंड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only